प्रिय विद्यार्थियों, RCI एज हब बानसुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिजिक्स में चैप्टर नंबर 9 के अंदर अध्ययन करने जा रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है विकृति के बारे में, कि विकृति क्या होती है, विकृति किसे कहा जाता है और विकृति कितने प्रकार के होती है और विकृति किस तरह से उत्पन्न होती है। देखिए देखो, इससे पहले की जो वीडियो थी हमने उसमें पहले विरूपक बल के बारे में अध्ययन किया था कि विरूपक बल क्या होता है, बाह्य बल क्या होता है, बाह्य बल किसे कहा जाता है। देखिए भाई, जो बाह्य जो बल होता है, हम फिर इसमें चर्चा करेंगे। अपन ने पहले भी इसमें चर्चा की थी कि जो हमारा जो विरूपक बल जो बल होता है, देखो विरूपक बल या बाह्य बल, फिर से मैं इसमें आपको रिपीट करता हूँ इसके बारे में, कि कोई भी वस्तु होती है, किसी भी वस्तु के यदि हमें आकार में, उसकी आकृति में, या अगर हम उसके आयतन में अगर हमें परिवर्तन करना हो, तो हम उसको परिवर्तन करने के लिए जो बल लगाया जाता है उसे भाई बाह्य बल या विरूपक बल कहा जाता है। तो ये इसकी परिभाषा है। तो अपन कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु के आयतन में या उसकी आकृति में या उसके आकार में परिवर्तन करने के लिए जो बाह्य जो बल लगाया जाता है उसको विरूपक बल या बाह्य बल कहा जाता है। अब देखो, हम बात करेंगे विकृति की, कि विकृति क्या होती है और विकृति कैसे उत्पन्न होती है। देखो, जैसे विकृति का मतलब होता है आकार में परिवर्तन हो जाना। जैसे देखो, जैसे मानो कोई व्यक्ति है, अगर माना किसी व्यक्ति का एक हाथ कट गया तो उसमें क्या आ गई, विकृति आ गई। माना कोई पंखा है, पंखा चल रहा है, मानो उसके एक मानो उसका हिस्सा टूट गया पंखे का, तो उसमें क्या आ गई, विकृति आ गई। तो विकृति का मतलब होता है उस वस्तु के आकार में या उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाना। देखो, अगर हम और एग्जाम्पल लें, जैसे मानो कोई व्यक्ति है या मानो अन्य कोई वस्तु है, अगर मानो उसके आकार में हमने कहीं पर परिवर्तन कर दिया तो वहाँ विकृति उत्पन्न हो जाती है। तो परिभाषा अगर हम बात करें कि विकृति को किसे कहते हैं, तो विकृति क्या होगी कि जब किसी वस्तु के आकार में या आकृति में बाह्य बल के कारण जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे ही विकृति कहा जाता है। तो भई आप कह सकते हैं कि किसी की बाह्य बल के कारण या बाह्य बल की वजह से किसी वस्तु के आकार या उसकी आकृति या उसके आयतन में जब परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है तो उसे ही विकृति कहा जाता है, इसे विकृति कहते हैं। या आप यूँ भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु के बाह्य बल और उसके आकार में होने वाला जो परिवर्तन है, जो उसका अनुपात है, वो भी विकृति कहलाता है। तो ये विकृति की परिभाषा है कि बाह्य बल के प्रभाव में किसी वस्तु की आकृति में या उसके आकार में जो परिवर्तन होता है उसे विकृति कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा आप ऐसे लिख सकते हैं, देखो परिभाषा की बात करें तो बाह्य बल के कारण, बाह्य बल के कारण किसी वस्तु की आकृति अथवा आकार अथवा आयतन में उत्पन्न होने वाले परिवर्तन को ही विकृति कहा जाता है। यानी बाह्य बल की वजह से, बाह्य बल के कारण किसी वस्तु की आकृति अथवा आकार या आयतन में जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे विकृति कहा जाता है। अब बाह्य बल क्या होता है, हमने पहले वीडियो में पढ़ लिया कि
किसी भी वस्तु की आकृति या उसके आकार में परिवर्तन करने के लिए जो बल लगाया जाता है उसे बाह्य बल कहा जाता है। अब विकृति भी जो है तीन प्रकार की होती है, तो कैसे कैसे विकृति के तीन प्रकार होते हैं, तो अपन कह सकते हैं कि जो विकृति है, विकृति मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है, यानी विकृति मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है। तो कौन कौन सी भाई, तो विकृति के तीन प्रकार से प्रकार हैं, विकृति के भी तीन प्रकार होते हैं प्रतिबल की तरह। इसका जो पहला जो प्रकार है वो होता है वही अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति, और इसका जो सेकंड प्रकार है वो होता है आयतन विकृति, और जो इसका तीसरा प्रकार है वो है अपरूपण विकृति। तो भाई विकृति जो है ये मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है। नंबर एक हम बात करें अनुदैर्ध्य विकृति की, और नंबर दो पे हम बात करें आयतन विकृति की, और अगर नंबर तीन पे बात करें तो अपरूपण विकृति की। तो ये विकृति मुख्य रूप से भाई तीन प्रकार की होती है, अनुदैर्ध्य विकृति, आयतन विकृति और अपरूपण विकृति। देखो आगे हम अब इनका प्रत्येक अध्ययन करेंगे, आगे हम अध्ययन करेंगे कि अनुदैर्ध्य विकृति क्या होती है, आयतन विकृति क्या होती है, अपरूपण विकृति क्या होती है, किसे कहा जाता है। वह ये थी इसके तीन प्रकार और विकृति की परिभाषा। फिर देखो हम बात करेंगे हम अनुदैर्ध्य विकृति के बारे में कि अनुदैर्ध्य विकृति क्या होती है, किसे कहा जाता है। देखो नंबर एक पर बात करेंगे हम अनुदैर्ध्य विकृति की, अनुदैर्ध्य विकृति। भाई देखो अनुदैर्ध्य विकृति बराबर होता है वस्तु की लंबाई में परिवर्तन परिवर्तन डेल्टा एल अपॉन प्रारंभिक लंबाई। भाई देखो तो ये जो अनुपात होता है इसे अनुदैर्ध्य विकृति कहा जाता है। देखो भाई अपन कह सकते हैं कि किसी वस्तु की लंबाई में परिवर्तन डेल्टा एल, ध्यान दें वह डेल्टा एल है, तो किसी वस्तु की लंबाई में परिवर्तन डेल्टा एल और उस वस्तु की जो प्रारंभिक लंबाई है एल, इसका जो अनुपात होता है इसके अनुपात को हम अनुदैर्ध्य विकृति कहा जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि किसी वस्तु की लंबाई में परिवर्तन डेल्टा एल, यहाँ डेल्टा एल जो है लंबाई में परिवर्तन है, तो लंबाई में परिवर्तन और जो वस्तु की जो प्रारंभिक जो लंबाई होती है जो इसका अनुपात है उसको हम अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं या अनुदैर्ध्य विकृति कहा जाता है। वही इसकी परिभाषा है। अब हम यहाँ पे जो विकृति है इसको हम इस तरह भी यहाँ पे इसको नोट कर सकते हैं, अनुदैर्ध्य जो विकृति है, तो अनुदैर्ध्य जो विकृति है ये अनुदैर्ध्य विकृति बराबर हो जाएगी डेल्टा एल अपॉन एल, यानी कि वस्तु की लंबाई में परिवर्तन और उस वस्तु की जो प्रारंभिक जो लंबाई है जिसका अनुपात है उसे ही हम भाई अनुदैर्ध्य विकृति कहा जाता है। अब नंबर दो पे बात करेंगे, अब आती है आयतन विकृति। देखो जैसे अपन इसको ऐसे मान लें, हम इसको देखो ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे जैसे माना कि कोई तार है, जैसे
जैसे माना कि कोई तार है लंबाई का, ऐसे मान लीजिए, जैसे माना ये यहाँ से यहाँ तक ए लंबाई का कोई तार था, यहाँ से यहाँ तक हमने इस तार पे कोई यहाँ कोई भार, कोई mg भार लटका दिया। इस भार से माना कि यहाँ पे इसमें यहाँ से यहाँ तक डेल्टा एल इसमें लंबाई में परिवर्तन हो गया, तो अपन कह सकते हैं कि इस लंबाई में जो परिवर्तन हुआ है, इस वस्तु की लंबाई में परिवर्तन और प्रहर में जो लंबाई है इसका जो अनुपात है उसे ही अनुदैर्ध्य विकृति कहा जाता है। अब हम नंबर दो पे बात करेंगे आयतन विकृति की, कि आयतन विकृति क्या होती है, आयतन विकृति किसे कहा जाता है। तो वह इसका सेकंड प्रकार देखिए आयतन विकृति के बारे में। तो नंबर दो पे है आयतन विकृति, आयतन विकृति। देखो आयतन विकृति जो है ये बराबर होती है वस्तु के आयतन में, वस्तु के आयतन में परिवर्तन, वस्तु के आयतन में परिवर्तन बटा वस्तु का प्रारंभिक आयतन डेल्टा वी अपॉन वी। तो देखिए तो आयतन जो विकृति है तो क्या होती है कि वस्तु के आयतन में परिवर्तन, वस्तु के आयतन में जो परिवर्तन है डेल्टा वी, और उस वस्तु का जो प्रारंभिक जो आयतन होता है, जो उसका पहले का जो आयतन होता है इसका जो अनुपात है, इसके अनुपात को ही हम आयतन विकृति कहा जाता है, इसकी परिभाषा है। तो अपन कह सकते हैं कि किसी वस्तु के आयतन में परिवर्तन और उस वस्तु के जो प्रारंभिक जो आयतन है जो उसका अनुपात है उसे ही वही आयतन विकृति कहा जाता है। जैसे अपने ऐसे मान लो अपन इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे जैसे माना कि कोई वस्तु इस प्रकार से है, जैसे माना माना ये वस्तु है और माना आपने यहाँ पर इससे पहले बल लगाया माना यहाँ पर, और माना कि बल लगाने से और माना कि इसका जो आयतन है वो कम हो गया, माना इतना इसका आयतन कम हो गया बल लगाने से और माना ये इसका आयतन बचा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, तो ये तो हो जाएगा डेल्टा वी, यानी अपन ने इस पर बल लगाया है, अपन ने इस वस्तु पे बल लगाया है, इसको दबाया है बल लगाने से। अब माना कि बल लगाने से, और बल कौन सा, वो ही बल जो हम पहले पढ़ चुके हैं बाह्य बल या विरूपक बल। तो हमने इस वस्तु के आयतन में कमी की है, हमने बल लगाया है कि माना, और माना कि बल लगाने से, माना कि यहाँ बाह्य बल लगाने से इसके आयतन में कमी हो जाती है, ये तो होगा डेल्टा वी आयतन परिवर्तन, और ये हो जाएगा वी प्रारंभिक आयतन। तो इस वस्तु के आयतन में परिवर्तन और जो वस्तु का जो प्रारंभिक जो आयतन है जो उसका अनुपात है उसे ही हम आयतन विकृति कहा जाता है, या आयतन विकृति के नाम से जाना जाता है। तो ये है वस्तु की जो है आयतन विकृति। तो आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने एक वस्तु लिया है, हमने यहाँ पे इसे बल लगाया है, बल बाह्य बल लग रहा है, और माना कि बाह्य बल की वजह से इसके आयतन में कमी आ जाती है, डेल्टा वी आयतन परिवर्तन हो जाता है, तो ये हमारी है आयतन विकृति। इसके बाद में नंबर तीसरा जो प्रकार इसका, इसका तीसरा प्रकार आता है अपरूपण विकृति, जो कि इसका तीसरा प्रकार विकृति का अपरूपण विकृति। तो भाई इसका तीसरा प्रकार है अपरूपण विकृति, अपरूपण विकृति। तो देखो क्या होती है अपरूपण विकृति, होती है स्पर्शी प्रत्यानी, स्पर्श जो प्रतिबल हमारा होता है उसमें, यानी अपने यहाँ कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु पर, जब किसी वस्तु पर स्पर्शीय रूप में, स्पर्शीय रूप में जब बल लगाया जाता है तो उस अवस्था में वस्तु की
उस अवस्था में वस्तु पर जो विकृति उत्पन्न होती है उसको ही अपरूपण विकृति कहा जाता है। जैसे मान लो कि माना कि जैसे माना ये हमारे कोई वस्तु इस प्रकार की मान लीजिए, माना कि हम इस वस्तु के एक जो पृष्ठ है माना उसको हम स्थिर रखते हुए अगर बल लगाते हैं, जैसे मान लो इस प्रकार से मान लीजिए जैसे माने हमारे वस्तु है, अगर हम इसके एक सतह को स्थिर रखते हुए अगर हम बल लगाते हैं तो जैसे मान हमने यहाँ बल लगाया है, यानी इसके हम जहाँ बल लगा रहे हैं उसके जो सम्मुख जो पृष्ठ है जो सतह है उसको स्थिर रखेंगे और उसको स्थिर रखते हुए जो बल लगाया जाता है उस अवस्था में जो विकृति उत्पन्न होती है उसको अपरूपण विकृति कहा जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु पर स्पर्शीय बल लगाया जाता है, स्पर्शीय प्रतिबल लगाया जाता है, तो स्पर्शीय बल लगाने से उस वस्तु में जो विकृति उत्पन्न होती है उसे अपरूपण विकृति कहा जाता है। और अपरूपण जो विकृति है ये होती है थीटा बराबर डेल्टा एक्स अपॉन एल। माना कि हमने बल लगाया और माना कि बल लगाने से जो सतह है जो पृष्ठ है माना उस पृष्ठ में विस्थापन डेल्टा एक्स उत्पन्न हो जाता है, तो ये विस्थापन एल उसकी लंबाई है। तो इस प्रकार से उस विस्थापन और जो लंबाई है इसका जो अनुपात है ये कहलाता है अपरूपण विकृति। तो स्पर्शीय जब हम प्रति जो बल लगाते हैं स्पर्शीय बल की अवस्था में जो विकृति उत्पन्न होती है उसे हम अपरूपण विकृति कहा जाता है। तो इससे पहले हम अध्ययन कर रहे थे अनुदैर्ध्य जो विकृति हो, अब ये इसके तीन प्रकार हो गए, लेकिन अनुदैर्ध्य जो विकृति होती है वो भी दो प्रकार देखो और होती है। कैसे, जैसे हमने पहला इसका प्रकार पढ़ा अनुदैर्ध्य विकृति, तो ये भी दो प्रकार की होती है। तो कैसे होती है, जैसे अपन जानते हैं कि हम कोई तार है, जैसे अगर हम तार को खींच रहे हैं, हमने तार पे बाहरी बल लगाया उसे खींचने के लिए, तो यदि उस तार की लंबाई में अगर वृद्धि हो जाती है, हम बाहरी बल लगा रहे हैं हम तार को खींच रहे हैं, अगर तार को खींचने पर उस तार की लंबाई में अगर वृद्धि हो जाती है तो उस कंडीशन में जो विकृति उत्पन्न होती है उसको कहा जाता है, उसे कहा जाता है तनन विकृति, यानी तनन विकृति उसे कहा जाता है। और यदि बल लगाने से अगर हमने इसको ऐसे बल लगाया कि तार सिकुड़ गया, अगर बल लगाने से अगर तार सिकुड़ जाता है, तार की लंबाई में मतलब कमी हो जाती है, तो उस कंडीशन में जो विकृति उत्पन्न होती है उसे कहा जाता है संपीड़न विकृति। तो ध्यान देंगे कि अनुदैर्ध्य जो विकृति है, अनुदैर्ध्य विकृति दो प्रकार की हो सकती है, तनन विकृति और संपीड़न विकृति। अगर किसी तार की लंबाई में वृद्धि हो रही है तो वो तो विकृति कहलाएगी तनन विकृति, और यदि उस तार की लंबाई में अगर कमी हो जाती है, तार सिकुड़ रहा है बल लगाने से, तो उस अवस्था में जो विकृति होती है उसको हम कहते हैं संपीड़न विकृति। तो ये थे विकृति के तीन प्रकार, विकृति की परिभाषा जो कि सबको आपको पता होनी चाहिए। हमने विस्तार से बता दिया कि वे कितने प्रकार हैं और किस अवस्था में किस प्रकार से का अध्ययन किया जाता है। इस क्लास में आज इतना ही, थैंक यू।